वेलकम टू एजुकेशनल हिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आपको इसमें प्रूफ करना है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपका माइनस माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या है वो है आपका एक्स। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो एक्स गिवन है उसको आपको बस जिसको हमने वेरीफाई करना है उस जगह पे पुट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जल्दी से रूल का माइनस लिखते हैं, देन ब्रैकेट, फिर माइनस है, और एक्स क्या है हमारा 11/5, और राइट हैंड साइड क्या है 11/5, राइट। अब माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं, और साइन किसका आता है प्लस का, तो प्लस का साइन कभी भी दिखाया नहीं जाता है, और राइट हैंड साइड को हमने ऐसे नीचे उतार लिया। तो अगर आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आ रहा है वही आपका राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो दोनों तरफ बराबर है, राइट। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट जो है बेटा आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मैंने देखा है कि सेकेंड पार्ट ही पूछा जाता है। तो हम लोग जल्दी से सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा -13/17। तो ये बहुत ही आसान पार्ट है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको जरा गौर से देखिएगा। वाई बिकॉज जो माइनस वाले होते हैं ना उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। हमने रूल का माइनस लिखा, देन ब्रैकेट बनाया, देन एक्स के साथ जो माइनस था हमने वो लिखा, और एक्स की जगह पे क्या था बेटा आपका -13/17। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि वो माइनस में है और दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए हमें ब्रैकेट बनाना पड़ा, और एक्स को मैंने इस तरीके से लिख दिया। राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है -13/17। अब हम क्या करेंगे, हम अंदर से सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और आंसर आया 13/17, और ये वाला जो माइनस है वो बाहर आ गया। नेक्स्ट इधर क्या है -13/17, अंदर आपका प्लस है और बाहर क्या है आपका माइनस। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, ये आएगा -13/17। वाई बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और इधर क्या आएगा -13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और इसी के साथ इक्वेशन फिनिश हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए हैं, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू।